मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई टीचर गगनदीप कौर फ्रॉम हाई स्कूल कसलो, गोइंग टू डेलो माय लेक्चर ऑफ क्लास फोर्थ. टुडे माय टॉपिक इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है बच्चों? इट हेल्प अस टू ब्रीथ, ये हमें सांस लेने में मदद करता है. इट इज़ मेड ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग. ये नोज से, विंड पाइप जहाँ से हम हवा लेते हैं, और लंग्स फेफड़ों से बनता है. नोज क्या होता है? वी टेक इन एयर थ्रू अवर नोज, हम नोज से हवा लेते हैं, छोड़ते हैं. विंड पाइप, एयर गोज डाउन द विंड पाइप, जो हवा लेते हैं वो नीचे विंड पाइप में जाती है. लंग्स, द एयर रीच द लंग्स एंड द लंग्स एक्सपेंड्स, यही हवा जो हम विंड पाइप के ज़रिए नीचे ले जाती है, फिर वो लंग्स में, फेफड़ों में पहुँचती है, फिर लंग्स के ज़रिए वो, जब लंग्स में पहुँचती है तो लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं. ठीक है बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम याद रखना. रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ये हमें हेल्प करता है ब्रीथ, सांस लेने में. इट इज़ मेड ऑफ नोज, नोज़ का बना होता है, विंड पाइप का और लंग्स का, तीन का बना होता है. नोज़ क्या होती है? नोज़ आपकी नाक होती है. वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज़, हम एयर लेते हैं अपनी नाक से, जैसे ये ले रहे हैं. विंड पाइप, एयर गोज डाउन द विंड पाइप, ये जो हवा लेते हैं नीचे विंड पाइप में जाती है. फिर लंग्स, द एयर रीच द लंग्स एंड द लंग्स एक्सपेंड, एयर रीच पहुंचती है लंग्स में, फिर वो लंग्स जो होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं. ठीक है, ये तीन पार्ट्स आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के याद रखना. रेस्पिरेटरी सिस्टम के तीन पार्ट्स होते हैं, नोज, नाक, विंड पाइप और लंग्स, फेफड़े. ठीक है, आई होप आपको बच्चों ये समझ आया होगा. फिर ये इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे उतार देना, एज वेल एज इसको लर्न कर देना. ओके, बाय, टेक केयर.